खबर यह है कि मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर के घर पुलिस पहुंच चुकी है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में दयाशंकर के घर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि इन पर बीएसपी नेता की तहरीर पर SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज है। तो अभी आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है दयाशंकर के घर, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी। बीएसपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो जो धाराएं लगी हैं उसके तहत तलाश थी दयाशंकर की कल से ही कि वो कहां है, और आखिरकार अब पुलिस उनके घर पर पहुंची है। तो बीएसपी कार्यकर्ता लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुतला दहन के दौरान एक प्रदर्शनकारी आग की चपेट में आ गया। आनन फानन में उसे वहां से हटाया गया और कपड़े उतारे गए। आपको बता दें कि भारी भीड़ जुटी हुई है, तमाम इलाकों से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीर, पुतला दहन की तस्वीर है जिसकी चपेट में एक कार्यकर्ता आ गया। हालांकि वो बार बार बच गया, लेकिन किस तरीके से जान जा सकती थी कार्यकर्ता की, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन अब उग्र होता चला जा रहा है। बीजेपी दफ्तर की तरफ भी बढ़ने की कोशिश की गई थी इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो वहां से गुजर रहे लोगों की गाड़ियों को भी रोका गया, ऐसी भी खबरें मिल रही थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त बीएसपी के सड़कों पर हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह के घर पर पहुंच चुकी है पुलिस। धनंजय हमारे साथ हैं। धनंजय, क्या घर पर मौजूद है दयाशंकर? जी श्वेता, मैं बता दूं कि जिस तरह से मायावती के इस तरह से अभद्र जो टिप्पणी किया गया था दयाशंकर सिंह के खिलाफ, उसके बाद से ही लखनऊ में उनका मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस समय डीजीपी के निर्देश पर, कहीं ना कहीं डीजीपी के निर्देश पर पुलिस जो है बलिया के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, और दयाशंकर सिंह के आवास पर भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कोतवाल और COCT वहां छापेमारी किए हैं। हालांकि अभी पुलिस का यह कहना है कि वो घर पे इस समय मौजूद नहीं है, और उनके बलिया में जो भी उनके ठिकाने हैं, जहां उनके जो दोस्त मित्र या उनके जो रिश्तेदार है, वहां छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक जो पुलिस जो है, दयाशंकर सिंह जो है पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ा है, और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों से ये भी जो खबरें निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं वो बलिया से इस समय बाहर निकल चुके हैं, और गोरखपुर हो सकता है कि गोरखपुर में इस समय वो गोरखपुर में मौजूद हो, तो पुलिस को आशंका है कि वो गोरखपुर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बलिया पुलिस, गोरखपुर पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि यहाँ से बलिया से वो गोरखपुर के लिए निकल चुके हैं दयाशंकर सिंह जी। जी श्वेता, चलिए धनंजय, आपसे हम अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त जगह जगह छापेमारी चल रही है दयाशंकर को लेकर, उसी कड़ी में इस वक्त घर पहुंची है पुलिस दयाशंकर के, लेकिन घर पर मौजूद नहीं है दयाशंकर। बताया जा रहा है कि पहले वो बलिया गए और अब वहां से शायद गोरखपुर के लिए निकल चुके हैं, जो एक तरीके से जानकारी मिल रही है वो, लेकिन अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि कहां है दयाशंकर। तो इस बीच प्रदर्शन जारी है लखनऊ की सड़कों पर, पुतला फूंका जा रहा है, और सतीश मिश्रा क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। जैसा कहा था वैसा कर दिया, और अब हमारी डिमांड ये है कि उनका अरेस्ट होना चाहिए, और दयाशंकर सिंह को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए, जो उनकी सही जगह है। इस तरह की मानसिकता रखने वाले को जेल जाना चाहिए और उनको जेल भेजा। सर वेंकैया नायडू कहते हैं कि अब माफी मांग ली, मामला खत्म हो गया। वेंकैया नायडू का साफ तौर पर यहाँ कहना है, यानी बीजेपी चाहती है मामला दब जाए। देखिए, ऐसे कुछ नहीं होता। ये कह देना कि पहले आप कह दिए कि हमने गोली मार दी, हमने मार दिया, हमने एक ऑफेंस कर दिया, अब हम सॉरी बोल देते हैं इसलिए मामला ख़त्म हो जाता है, ऐसे नहीं ख़त्म होता। जब तक कि उनका अरेस्ट हो करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इसमें शांति नहीं होनी। Are you not satisfied with his expulsion? तो साफ साफ कहा जा रहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक शांत नहीं होंगे। गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है, तो इस दौरान छापेमारी भी हो रही है दयाशंकर को लेकर, उनके हर ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, और अब घर पहुंची है पुलिस उनकी, लेकिन बताया जा रहा है घर पर मौजूद नहीं है। तो मायावती के खिलाफ बीजेपी के एक पूर्व नेता की अभद्र टिप्पणी को लेकर बीएसपी ने इस पूरे प्लान को भुनाने का मन बना लिया है। प्रदर्शन हर तरफ जारी है। तो कल खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो वहीं अब पार्टी इसे सड़क पर लेकर आ गई है। बीएसपी इसको लेकर
आज बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है लखनऊ की सड़कों पर। बीएसपी ने 2017 विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों को लखनऊ बुलाया हुआ है। यही नहीं, बीएसपी ने 200 एमएलसी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं को भी लखनऊ बुलाया है। ये तब है जब बीजेपी के बड़े नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहले राज्यसभा में माफी मांगी, फिर दयाशंकर को यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया और उसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वहीं प्रदर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे बीएसपी कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी भीड़ बीच बीच में बेकाबू हो जाती है। बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, हालांकि पुलिस ने इनको बीच में रोका है, लेकिन इसमें धक्का मुक्की भी हुई है। खबर यह है कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी सवार लोगों और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की है। बीएसपी का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। हमारी तरफ देखिए, बाई तरफ हजरतगंज चौराहे को इस वक्त बसपा कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है और अब से कुछ देर पहले एक ऐसी गाड़ी जिस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, उस गाड़ी में भी कुछ उस गाड़ी जो चला रहे थे उससे हाथापाई करने की कोशिश की गई और पुलिस इस बात को लेकर बहुत सतर्क है कि कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। हमारे दाहिनी तरफ देखिए, इस तरफ यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। पुलिस ने इस रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया है। इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता जो उपद्रवी हो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाने की कोशिश करें, इसलिए उस लिहाज से इस रास्ते को रोक दिया गया है। तो अब फिलहाल जो प्रदर्शन अंबेडकर साहब की प्रतिमा के नीचे हो रहा था वो अब हजरतगंज चौराहे पर आ गया है और पूरी तरह से हजरतगंज चौराहा इस वक्त ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस कोशिश कर रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि मान मनोबल किया जाए और हजरतगंज चौराहे को खाली कराया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए और इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है बीएसपी के प्रदर्शन को और यहाँ पे देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। तो दयाशंकर की इस टिप्पणी ने बीएसपी के काडर के लिए सियासी संजीवनी का काम किया है। लखनऊ के हजरतगंज में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनकी ये मांग है कि दयाशंकर सिंह को फांसी दी जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, समाजवादी पार्टी की भी मिली भगत इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। महिला के सम्मान से, दलित के सम्मान से ये पूरा दयाशंकर सिंह का बयान, जो अभद्र टिप्पणी थी वो जोड़कर देखा जा रहा है। बीएसपी पूरे प्रदेश में इस मामले को ले जाना चाहती है ताकि महिला सम्मान और दलित सम्मान के बहाने 2017 में उसको दलितों को जोड़ने में और कामयाबी मिल सके। हमारे साथ बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए हैं, महिलाएं आए हुए हैं। बताइए कि आप यहां आई हैं, कहां से आई हैं और क्या आपकी मांग है? तावा से आए हुए हैं। जो हमारी जो बहन जी है माननीय मायावती जी, अगर हमारी महिलाओं पे कोई भी सम्मान में कोई भी आंच आती है तो हम लोग रोडों में सड़कों में उतर जाएंगे और उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हमारे साथ करने की कोशिश करेंगे। हम भी इटावा से आए हैं और हमारी बहन से जो गलत शब्द अवैध भाषा यूज की गई है उसकी हम लोग चाहते हैं उसकी भरपूर जवाब देंगे, पत्थर से ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे। मेरी मांग ये है कि जो हमारी इज्जत है वो जो उछाली गई है, ये हमको मतलब हमारा सम्मान मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जालौन से आया हूँ। क्या मांग है आपकी यहाँ पर? मेरी मांग सबसे पहली है कि दयाशंकर ने जो अभद्रता की है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसे सख्त से सख्त सजा की दिलाई जाए, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसा स्टैंड न ले सके किसी दलित महिला, किसी महिला के लिए, किसी नेता के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है वो घोर अभद्र टिप्पणी है। जयशंकर जी का जो आपत्तिजनक बयान है उस पर घोर निंदा की जाती है उसकी, और ऐसे बयान ऐसे इन्होंने अरेस्ट कर जेल भेजा जाए। तो ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से लखनऊ में जमा हुए हैं और उनकी एक सुर में यही मांग है कि दयाशंकर सिंह को फौरन से पेशतर उसकी गिरफ्तारी की जाए। मुकदमा हालांकि कायम हो गया लेकिन दयाशंकर की गिरफ्तारी जब तक
नहीं हो जाती तब तक बीएसपी के समर्थक चुप होने वाले नहीं हैं। और अभी ये लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, ये माना जा रहा है कि आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के तमाम हिस्सों तक इस प्रदर्शन को ले जाएंगे। और 2017 के पहले पहले ये मुद्दा बीएसपी किसी भी कीमत पर थमने देना नहीं चाहती है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ में विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। तो बीजेपी के खिलाफ बीएसपी के कार्यकर्ता आज लखनऊ में सड़क पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इधर बीजेपी ने बीएसपी के प्रदर्शन को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दयाशंकर को निकाल दिया गया है तो फिर इस प्रदर्शन का क्या मतलब है। नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, वो ख्याली पुलाव भले पकाएं। और यह विषय जब पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपने मुकदमा लिखा दिया, आप पुलिस जांच करेगी, जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी यह अपेक्षा करती है कि बसपा को इस प्रकार से अब कोई वातावरण को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बीएसपी इतने भर से नहीं मानने वाली। बीएसपी नेता मेवालाल गौतम की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दयाशंकर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। बीएसपी नेता मेवालाल गौतम और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समर्थकों के साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहुंचे थे। तो बीएसपी नेताओं ने थाना अध्यक्ष के नाम दयाशंकर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की तहरीर दी और विवादित बयान की CD भी सौंपी थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मेवालाल जी की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें बेसिकली आरोप लगाए गए थे कि महिला की मर्यादा को तोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। दो वर्गों के बीच या एक समाज के बीच द्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया है और जातिगत बातें भी आई हैं। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है 504, 509, 153 AIPC व 3110 SC/ST एक्ट के तहत। विवेचना की कार्रवाई इसके पश्चात प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हुए अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। तो FIR दर्ज कराने मेवालाल गौतम के साथ थाने पहुंचे बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। जो भी इकट्ठा हुआ है ये केवल और केवल श्री अमित शाह के इशारे पर दयाशंकर नाम के व्यक्ति ने ये किया है। आप जानते हैं दयाशंकर कौन है, कभी कोई चुनाव जीते हैं? स्कूल कॉलेज का भी चुनाव ये मनोनीत हुए थे, वहां भी कभी नहीं जीते, क्योंकि इनके दयाशंकर जी के ऊपर अमित शाह जी की दया थी। इसके बाद उपाध्यक्ष बन गए। अब क्या कहा जाए, उपाध्यक्ष बनने का मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी बहन बेटी का अपमान किया जाए। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर अभी क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है दयाशंकर सिंह की, जगह जगह छापेमारी हो रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहां है दयाशंकर सिंह, और अब इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन। आपने माननीय नौशाद अली साहब की बात सुनी, जिस तरह बीजेपी के नेताओं में पूर्ववर्ती दिनों में माननीय महिलाओं पे टिप्पणी की थी और उसका बदला 21 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के सर्व। और बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ इस वक्त हैं। सुधींद्र जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है, फिलहाल दयाशंकर सिंह कहाँ है ये तो पता लग नहीं पा रहा, आगे की स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या होगी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बहुत रोष है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र की,
इन्होंने जिस तरह से दलितों के साथ व्यवहार किया है पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं, उससे दलित बहुत आहत हुआ है, वो बहुत दुखी है और नाराज है। और बहन मायावती जी के बारे में जो भद्दी टिप्पणियां इन्होंने की हैं, उसकी वजह से वो आज सड़कों पर भी उतरा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य करने के तौर तरीके को सुधारे, अन्यथा ये देश में उनके लिए उचित और अच्छा नहीं है। लेकिन सुधींद्र जी, बात ये भी तो बताइए कि भाई देखिए, बीजेपी ने निकाल भी तो दिया दयाशंकर सिंह को, खुद कल अरुण जेटली ने भी कहा कि ये इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल गलत है, तो फिर इस तरीके का आंदोलन क्यों किया जा रहा है? अब जब मान लिया उन्होंने, जब हटा दिया, एक एक्शन ले लिया गया, फिर क्या सियासी तूल दिया जा रहा है इस मामले को? देखिए, ऐसा है, कल ही बहन मायावती जी ने कहा था कि आप लोग दलितों पर अत्याचार और जुल्म करे हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र में एक नाबालिग नौजवान को थाने में बुलाकर बंबई में मार दिया गया। आप पूरे देश में जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप इतना जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। आपने एक लड़की के हाथ पैर काट दिए बलात्कार करने के बाद। हरियाणा में जहाँ आपकी सरकार है, सुधींद्र जी, कल इस बारे में भी तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि नहीं, बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, और इसको लेकर एक तरह से कार्रवाई भी की गई है। तो वही उन्होंने दयाशंकर सिंह को लेकर भी कार्रवाई कर दी है। अब इसके बाद जिस तरीके से ये तमाम प्रदर्शन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन होता चला जा रहा है, क्या ये ठीक है? चलिए आपसे मैं आगे भी एक तरीके से आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करूंगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक तिवारी हमारे साथ है। विवेक, वाकई ये बहुत समझना जरूरी है कि आप जब एक कदम उठा लिया कल बीजेपी ने, हटा दिया गया दयाशंकर को, आप पार्टी ने भी जिस तरीके से साफ तौर पे कह दिया गलत है ये सब, तो क्यों अब इस मामले को इतना सियासी तूल दिया जा रहा है? जो प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर, उग्र प्रदर्शन होता चला जा रहा है, क्या ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुनाफा कमाने की कोशिश हो रही है अब इस मामले पर? जी बिल्कुल, ये सियासी मुनाफा कमाने की ही कोशिश है। बीएसपी की जो हालत थी इस बयान के पहले वो बहुत अच्छी नहीं थी। लगातार उसके पार्टी के बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे थे, जनाधार खिसक रहा था, और इसलिए बीजेपी बीएसपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को हाथ से जाने ना दिया जाए। एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ बीएसपी का, उस प्रदर्शन के दौरान जो नारे लगे उनका स्तर भी वही था जो दयाशंकर के बयान का स्तर था। तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उसी तरह की भाषा, उसी तरह की बातें दयाशंकर उनके परिवार के लोगों को लेकर नारेबाजी की जा रही है। पूछा गया जब बीएसपी के कार्यकर्ताओं से कि ऐसा क्यों, इस तरह के नारे क्यों लगा रहे हैं, ये भी तो एक महिला के सम्मान के खिलाफ नारेबाजी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यकर्ता आक्रोशित है। तो उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बीएसपी के लोग बहुत अनुशासित समझे जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत उसमें कमी दिखाई दी, पुतला फूंका गया। पुलिस की मना करने के बावजूद बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। एक बीजेपी के पूर्व विधायक थे, उनकी गाड़ी वहां से जा रही थी, उसके झंडे को उखाड़ के गाड़ी में धक्का मुक्की कर गई, जिसमें महिलाएं भी थी। तो ठीक है कि सियासत करना अलग बात है, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी ना हो। और इस तरह की बात दयाशंकर ने कही, उससे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसी भाषा में अगर जवाब देना है तो फिर दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल विवेक, की बात सही है कि अगर आप उसी तरीके से अगर वो बात रखेंगे जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो गलत है, और ये कहा जा रहा नहीं, महिला का सम्मान नहीं किया गया, और आप उसी अंदाज में क्या खुद जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है वो ठीक होगी? चलिए, जानकारी देने के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ है कि यूपी और पंजाब समेत तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे छोटे छोटे मुद्दे बड़े बवाल का कयास बनते चले जा रहे हैं, और फिलहाल बीजेपी को सबसे ज्यादा भुगतना भी पड़ रहा है। आपके सामने तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीएसपी यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है। मायावती पर अब पूर्व हो चुके बीजेपी नेता की अभद्र टिप्पणी को सियासी तौर पर भुनाने का फैसला बीएसपी कर चुकी है, और जो हो रहा है सड़कों पर वो आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी शासित गुजरात की है, जहां बीते कई दिनों से दलितों का प्रदर्शन चल रहा है, और आज राहुल गांधी इसमें एंट्री करने वाले हैं। तो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी शासित महाराष्ट्र की, जहां मुंबई में अंबेडकर भवन को गिराने को लेकर पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। जाहिर है ये तीनों तस्वीरें बीजेपी के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती है, खासतौर पर तब जब पार्टी दलितों को जोड़ने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है।